गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स आई एम डिम्पल तिवारी वेलकम टू यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सो स्टूडेंट जैसा कि हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था थ्री क्वेश्चन वाला वो कम्प्लीट कर, कर लिया है अब हम उसकी क्वेश्चन आंसर कम्पलीट करेंगे सो अपन योर बुक सी योवर पेज नंबर टेन सो पेज नंबर टेन पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन इसे देखना वाई डिज द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू थ्री क्वेश्चन आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज ही वॉन्ट टू बी गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ तो जो किंग था वो अपने सवालों के जवाब इसलिए चाहता था क्योंकि वह एक अच्छा और सक्सेसफुल यानी कि यानी कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता था उसकी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता था और अब हम आपके जो पेज फोर्टीन पर जो एक्सरसाइज दी हुई है उसे कंप्लीट करेंगे तो ये आपको स्टूडेंट्स ये आपको बुक में ही फील करना है और ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर ही आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं तो फर्स्ट देखना कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ देंटेंस गिवेन इन दॉक्स तो आपके जो बॉक्स में ये सेंटेंस दिए हुए हैं इनसे आपको जो आपके ऊपर वाले सेंटेंस है उन्हें कंप्लीट करना है तो फर्स्ट इतना मेनी वाइस मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन बहुत से बुद्धिमानी व्यक्तियों ने राजा के सवालों का जवाब दिया लेकिन उसके बाद आगे क्या था अब इस बॉक्स में आपको पूरे क्वेश्चन मतलब जो पूरे आंसर दिए हुए हैं उन्हें रीड करना है उसके बाद आपको जो शूटेबल आंसर लगता है वो आपको इसमें करना है फील तो देखो जो थर्ड वाला दिया हुआ है आपको बट देर आंसर किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड लेकिन जो उनके जो आंसर्स थे वो क्या थे बहुत अजीबो टाइप के थे मतलब राजा को वो कुछ समझ नहीं आ रहे थे राजा उनसे संतुष्ट नहीं था तो आपका जो ये है वो आपके आएगा फर्स्ट में

तो वो उसे बता सके कि किंग कि को कौन सा टाइम कौन मतलब कौन सा काम कौन से टाइम पर करना है तो जो आपका लास्ट लास्ट वाला पॉइंट है वो आपके सेकंड में आएगा नेक्स्ट सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल अब इसका आंसर आपको बॉक्स में देखना है तो जो आपका थर्ड है उसका आंसर है एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली और किसी ने उसको सजेस्ट किया कि किंग कि 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 को क्या करना चाहिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए नाउ फोर्थ द किंग रिक्वेस्टेड दरमेट और इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स टू आंसर थ्री क्वेश्चन सेकेंड नंबर वाला जो पॉइंट है वो आएगा फोर्थ में एंड लास्ट फिफ्थ द किंग वॉज एंड ड्रेस्ड द बियडेड मैं वाउंड राजा ने जो बियडेड मैन था उसके जो घाव हुआ था उसे वॉश किया उसे ड्रेस्ड किया एंड बट द बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप लेकिन फिर भी इसकी जो ब्लीडिंग थी वो नहीं रुक रही थी तो आपकी जो फिलअप है ये कम्प्लीट होते हैं एंड नाउ सी योर क्वेश्चन आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मेजिशियंस राजा को मेजिशियंस की सलाह क्यों दी गई यानी कि जादूगर के लिए सलाह क्यों दी गई फर्स्ट आंसर है वो ये है सम पीपुल एडवाइस टू द किंग टू गो टू द मैजिशिय बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैम ओनली मैजिशियंस कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग क्योंकि कुछ लोगों ने उसको जादूगर का एडवाइस इसलिए दिया क्योंकि सिर्फ जादूगर ही अपना फ्यूचर बता सकते हैं तो उन्होंने बोला कि आपको मैजिशियन के पास जाना चाहिए जो क्या करे राजा का फ्यूचर देख सके क्वेश्चन नंबर सेकंड

वर्ड सजेशन आंसर टू दर्ड क्वेश्चन यानी कि जो अब थर्ड क्वेश्चन था उसके लिए लोगों ने क्या क्या सजेशन दिया था उसे देखते हैं टू गिव द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस सम सेड मतलब सम सजेस्टेड रिलीजियस फाइटिंग वाइल सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वॉर्शिप तो कुछ लोगों ने उसे क्या सजेस्ट किया कुछ लोगों ने से बोला कि आपको आई थिंक साइंस की नीड है या फिर कुछ लोगों ने क्या सजेस्ट किया आपके शायद रिलीजन फाइट है जो होती है ना वो और कुछ ने बोला कुछ ने मतलब सुझाव दिया कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट वाई नॉट क्या राजा को मतलब रिवार्ड की नीड थी यानी कि राजा जो रिवार्ड्स होते हैं उन्हें जीतना चाहता था प्राइस चाहता था अगर नहीं चाहता था तो क्यों नहीं चाहता था तो उसके लिए अपन इसका आंसर देखेंगे द वाइज मैन डिडंट विन एनी रिवार्ड वाइज मैन कोई भी रिवार्ड नहीं चाहता था कोई भी प्राइज नहीं चाहता था बिकॉज ही वॉज नॉट ग्रीडी ऑफ एनी रिवार्ड क्योंकि वहां किसी भी रिवॉर्ड के लिए ग्रीडी नहीं था लालची नहीं था एंड ही वर इट टू पास हिज लाइफ विदाउट एनी लग्जरी और वह अपनी जो लाइफ थी वह बिना किसी चिंता के बिना किसी उसके लग्जरी शौक वगैरह के व्यतीत करता था एंड नेक्स्ट फाइव फिफ्थ क्वेश्चन हियर हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द मैन जो वॉन्डेड मैन था उसकी राजा ने और हर्मिट ने किस तरीके से सहायता करी थी तो ये आपका आंसर है फिफ्थ नंबर का द किंग एंड हर्मिट हेल्प द बियर्डेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वाउंडो शेल्टर टू टाइक्रेस्ट तो राजा और हर्मिट ने उसकी इस तरीके से हेल्प की कि जो उसके जो घाव था उसे वॉश किया और ड्रेस्ट किया और उसे रहने के लिए जगह दी आराम करने के लिए जगह दी अब आपके जो सिक्स क्वेश्चन है सिक्स नंबर के इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं हु वाज द बेयर्ड मैन बेयर्ड मैन कौन था इसका आंसर है द बेयर्ड मैन वाज एनिमी ऑफ द किंग जो बेयर्ड मैन था वो राजा का शत्रु था एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस और वह राजा से जो माफी क्यों मांग रहा था जो राजा से मतलब जो क्षमा मांगना जिसे बोलते हैं वो क्यों मांग रहा था के के का का हैं मतलब वह से इसलिए क्षमा मांगना चाहता था क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी ही कैम देर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग बट एन स्ट्रीट द किंग हेल्प हिम टू गेट बेटर वह आया तो किस लिए था राजा से बदला लेने के लिए लेकिन राजा ने उसकी मदद की उसकी सहायता की उसकी हेल्प की और उसके साथ बहुत अच्छा किया इसलिए वो उससे क्षमा मांगना चाह रहा था सेवन क्वेश्चन देखना द किंग फॉर गिव द बेडेड मैन वट डिड ही डू टू शो हिज फॉर गिवनेस राजा ने उसकी क्षमा मतलब ये दिखाने के लिए कि उसने उसको क्षमा कर दिया है उसके लिए उसने क्या किया तो ये आपको जानना है सेवंथ नंबर के जो क्वेश्चन में तो देखना द किंग शेव्ड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स सॉरी यहाँ पे ये यह सर्वेंट्स है एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिसड टू गिव बैक द वोंडेड मैन हिज प्रॉपर्टी राजा ने उसकी सहानुभूति दिखाने के लिए क्या किया अपने सर्वेंट्स को भेजा और जो उनका डॉक्टर था उसे भी उसको देखने के लिए भेजा और उन्हें प्रॉमिस किया कि वह उसकी जो प्रॉपर्टी है वह उसे वापस कर देगा एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट वर हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चन हर्मिट के लिए थ्री क्वेश्चन का जवाब जानना क्यों मतलब हर्मिट ने थ्री क्वेश्चन का जवाब क्या दिया राइट ईच आंसर सेपरेटली आपको जो तीनों आंसर है वो सेपरेटली वन बाय वन लिखने हैं विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई और आपको सबसे ज्यादा कौन सा आंसर पसंद आता है और क्यों आता है उसे आपको बताना है तो स्टूडेंट तो ये जो, जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था किंग का उसका आंसर हरमिट ने क्या दिया देखना द हरमिट सेट दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फॉर द किंग

लाइफ बचाई अगर राजा बाहर जाता तो वह आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता लेकिन राजा हरमिट के पास ही रुका तो ये था उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन ही सेड दैट ही वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन फॉर द किंग उसने उसको कहा कि वह उस राजा के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है बाय होम द किंग वॉज सेफ क्योंकि उसकी वजह से राजा सेफ था सुरक्षित था एंड द लास्ट थर्ड क्वेश्चन टू डू गुड थिंग्स फॉर हिम किंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस और जो अपने लिए आपके लिए जो अच्छी चीज करता है आपके लिए अच्छा काम करता है वही आपका सबसे इंपोर्टेंट बिजनेस होता है वही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सो so, स्टूडेंट्स आपको आपके अकॉर्डिंग अपना तीनों क्वेश्चन के जरिए आपको बेस्ट जो आंसर आपको लगता है वो आपको देना है लेकिन मुझे थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड आंसर है वो सही लगा सो so मैं आपको वही बताऊंगी वी लाइक थर्ड आंसर बिकॉज डू गुड थिंग्स टू डू अदर और हेल्प अदर वी कैन बी ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन अवर लाइफ अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे किसी की अच्छी मदद करेंगे उसके साथ उसकी सहायता करेंगे उसके साथ हमेशा अच्छा करेंगे तो हम हमारी लाइफ में एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान रहेंगे सो so, स्टूडेंट आपके ये जो क्वेश्चन है वो यहां कंप्लीट होते हैं नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी आपको मैच करना है ए को बी से मैच करना है तो जो यहां पर आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें आपको इनके मीनिंग्स से एड करना है सो so, वाउंडेड का मीन होता है इंजरी यानी घाव तो उसका फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा सैवरली enjoyed ये रहा एंड सेकंड avoke इसका होगा got up from sleep यानी सोकर उठना एंड forgive forgive का होता है माफी मांगना तो इसका क्या आएगा इसका आएगा pardon फोर्थ का faithful है तो फोर्थ का आएगा loyal pity pity का मीनिंग होता है दया यानी कि दया दिखाना तो फील सॉरी फॉर यहां आएगा आपका पीटी का bats, जो ने की थी तो वो क्या है स्मॉल प्लांट्स सॉरी स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स जो छोटे छोटे बनाते हैं ना अपन गड्ढे प्लांट उगाने के लिए वो एंड रिटर्न रिटर्न का मेन होता है गिव बैक वापस जाना एंड जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज टू ब्लैंक्स आपके हर क्वेश्चन हर सेंटेंस में टू ब्लैंक्स दिए हुए होंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स फॉर ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स जो आपको ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई है उसके उसको आपको सही फॉर्म में फिल करना है तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको फर्स्ट में मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पर आपको प्रॉमिस दिया हुआ है ब्रैकेट में और इधर हैज आया है तो हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है तो फर्स्ट में आएगा ही हैज प्रोम एंड सेकेंड ब्लैंक में आएगा प्रोमिस जब हम आप टेंस पढ़ेंगे तब हम इसे आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाएंगे तो फर्स्ट देखना द डैश साइड ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश अब यहां पे आपको जज दिया हुआ है तो जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें आपके जज आएगा और सेकंड ब्लैंक है इसमें आपके जजमेंट आएगा एंड सेकंड आई डिट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन एमोंग द डिबेटर्स ऑल दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर ओवरऑल स्मॉल पॉइंट्स तो यहां पे आपको डिफर दिया हुआ है तो फर्स्ट में आपके डिफरेंस आएगा एंड सेकंड में आपके डिफर्ड आएगा थर्ड दिखना इट्स ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल तो यहाँ आंसर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो यहाँ पे आपके दोनों फॉर्म सेम आएगी फोर्थ क्वेश्चन सॉरी फोर्थ इट इज डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन तो यहाँ पे आपको नेसेसरी दिया हुआ है तो इज नॉट आया है तो फर्स्ट में आपके नेसेसरी आएगा एंड नाउ सेकंड में नेसेसिटी आएगा फिफ्थ हर्मिट्स आर डैश मैन हाउ दे एक्वायर देर डैश नो वन कैन टेल तो इसमें हर्मिट क्या है एक बुद्धिमानी व्यक्ति था तो यहां पे आएगा वाइज और ये किसके लिए प्रसिद्ध है उसकी विजडम के लिए तो यहां विजडम आएगा एंड नेक्स्ट द कॉमिट हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम द डैश इज लाइकली टू प्लेज एवरी वन तो जो ये ब्रैकेट में डिसाइड दिया हुआ है ये फर्स्ट में डिसाइडेड आएगा हेस के साथ में और सेकेंड में डिसीजन आएगा एर्थ क्वेश्चन एर्थ वाला देखना आस्किंग फोर डैश इज ए नॉबल एज विलिंगनेस टू फॉर यू जो ब्रैकेट में फोर गिव दिया हुआ है तो फर्स्ट में आपके फोर गिवनेस आएगी एंड सेकेंड में फोर गिव आएगा सो स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड हियर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो